हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का नया बहाली का जो पीडीएफ इंटरनली वायरल हुआ था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के टोटल 6988 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कल रात में वायरल हुआ, जिसका टोटल 199 वैकेंसी था और मैकेनिकल का पीडीएफ अभी बाहर नहीं आया है, उसमें भी लगभग 500 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो उस वैकेंसी का जो छात्र आस लगा के बैठे हैं कि वैकेंसी आएगा और आपको 22 मई 2023 से फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप सभी के लिए बैड न्यूज है। बैड न्यूज इसलिए है ताकि आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा BTSC JEE बहाली पर स्टे लगा दिया गया है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 24 तारीख के डेट में ही बता चुका था कि BTSC JEE नई बहाली पर स्टे लगा दिया गया है, कि बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के, बिना अनुमति के आप नए बहाली पर काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 BTSC JEE को 25 जनवरी 2023 को बिहार सरकार के अहम निर्णय के बाद बहाली को रद्द किया गया। उसके बाद से BTSC JEE पर सीट बढ़ाकर के नई बहाली लगभग 77-78 पोस्ट सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आने की संभावना है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा BTSC पर स्टे लगा दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता है। और जो है अभी बहाली का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शायद स्टार्ट ना हो, बहाली अभी एडवर्टाइजमेंट जो है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आए, क्योंकि अब बहाली आएगा, बिल्कुल बहाली नया आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा, क्योंकि स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ आप बहाली आगे निकालिए, आगे प्रोसेस बढ़ाइए, तभी बहाली देखने को आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो 4 मई 2023 है, और 4 मई 2023 को आपको वहाँ सुनवाई होगा। उसमें क्या कुछ होता है या फिर आगे का डेट मिलता है, ये देखने वाली बात है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, तब तक न्यू बहाली भी नहीं आएगा। हालांकि आप सबों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया गया है, ये बताया गया है कि पुराने बहाली जो 6379 था 1/2019, उस बहाली को क्लियर किया जाए। और यहाँ पर लेकिन यहाँ बिहार सरकार की तरफ से नई बहाली निकालने की यहाँ पर बात कहा जा रहा है। आप सबको पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट PDF भी वायरल है, ठीक है, और 22 मई 2023 से डेट भी फिक्स हो गया है। तो बात तो सच्ची है और न्यू बहाली 100% आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगा। इसलिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि बहाली मतलब एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर कब आएगा। तो अब मैं बता देता हूँ फुल एंड फाइनली कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा। अब ये देखने वाली बात होता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन छात्र के हित में पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। हालांकि उम्मीद है कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 2020-21-22 कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव ही न्यूज़ आएगा, ये संभावना के साथ मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो देखने वाला बात होता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद अब बहाली आएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, न्यूज़ पाते रहें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर रहें, क्योंकि आपको वीडियो आने से पहले न्यूज़ PDF लेटर प्रोवाइड हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें।